जब भी ये समझ में ना आए कि आज खाने में क्या बनाया जाए, सब्जियां खा के आप बोर हो चुके हैं, लेकिन अब टेस्टी भी खाना हो, इजी भी खाना हो और कम सामान में बना खाना हो, तो आप ये मट्ठा यानी कि दही के आलू बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको यूपी स्टाइल मट्ठा के आलू की रेसिपी बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि, मेरे चैनल होप विद निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मट्ठा आलू बनाने से पहले हमें मट्ठा ही चाहिए होगा, लेकिन अगर मट्ठा नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे दही रखा हुआ था, तो दही को हम क्या करेंगे, फेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राइंडिंग जार में दही ऐड किया है, साथ में पानी भी ऐड कर लिया है। दही खट्टा रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी मट्ठा के आलू बनेंगे। और इन्हें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस तरीके से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पानी भी मिक्स कर लिया था, जिससे कि पतला भी हो गया, बिल्कुल मट्ठा बन गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो दही के आलू भी बनते हैं, वो थोड़ी थिक होती है वो रेसिपी, लेकिन हम यहाँ पे मट्ठा के आलू बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बॉयल आलू लिए हैं यानी कि उबले हुए आलू। इन्हें हम काटेंगे नहीं, इन्हें हम हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आलू को हमने मैश कर लिए हैं। अब हमने एक कांच की बाउल पे लिया है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, और 1 चम्मच हम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे। गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे, और लगभग 1 चम्मच हम यहाँ पे जीरा और 1/2 चम्मच सरसों के दाने ऐड करके इन्हें हम क्रैकल होने तक इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत इजी बनती है और टेस्टी भी बनती है। खाने से ज़्यादा लोग इसको पीते हैं, बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे जो हमने मसाले निकाले थे ड्राई वाले, उन्हें हम ऐड करके और तुरंत हम इनमें आलू इस तरीके से ऐड करके मिक्स कर लेंगे। जब आप मसाले तेल में डायरेक्ट फ्राई करते हैं ना, तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और हमने यहाँ पे 3 से 4 कुटी हुई हरी मिर्च इस तरीके से उन्हें हल्का सा कूट लिया था, और वो भी हमने ऐड कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब हम गैस की फ्लेम लो करके, और फिर ये जो मट्ठा हमने फेंटा हुआ था दही, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। और अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम क्या करेंगे, इसे लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हमें रोकना नहीं है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे। काला नमक वैसे भी मट्ठा में बहुत ही टेस्टी लगता है, जो आप लोग छाछ वगैरह पीते हैं तो देखा होगा उसमें काला नमक ऐड करते हैं। और यहाँ पे देखिए अब बॉयल आ रहा है बराबर। नमक भी हमें तभी ऐड करना है जब एक बॉयल आ जाए अच्छे से, तब हम नमक ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर काफ़ी इसकी ग्रेवी पतली रखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो है इसे पीते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा खाने से ज़्यादा इसे पीते हैं, तो इसलिए हमने ग्रेवी को इसकी पतली रखा है। आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी पतली या फिर गाढ़ी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।